मोक्ष मार्ग प्रकाशक नव्याध्याय में से छोटा प्रकरण लेना है। आत्मा का हित मोक्ष ही है। जगत में हित के उपदेश के नाम पर ही संपूर्ण उपदेश का आदान प्रदान होता है। हम तुम्हारे हित की ही तो बात कह रहे हैं, ऐसा संपूर्ण जगत में प्रचलित है। हर माँ बाप बच्चों को यही कहते हैं, हमारा क्या बिगड़ रहा है, अभी के हित की बात है। गुरुजन विद्यार्थियों को समझाते सब यही धारा है, ये जगत हितंकर हितोपदेशी भगवान ये कह रहे हैं कि जगत में जितना भी हित का उपदेश दिया जा रहा है वह देह के हित की चर्चा है। और हम तो प्रथम चोट में ये कहते हैं जिसको आत्मकल्याण करना हो वो स्वयं को आत्मा देखे। देह की जितनी चर्चा है वो कोई बात ही नहीं है। आपने समझना है, इष्टोपदेश में एक छंद मैंने कहा भी था, यद देहस्य उपकाराय तज्जीवस्य अपकारकम्, यद जीवस्य उपकाराय तद्देहस्य अपकारकम्। जो जो देह के लिए उपकारी है वो आत्मा के लिए अपकारी है, और जो आत्मा के लिए अपकारी है वो देह के लिए उपकारी है। कभी कभी वास्तव में ऐसा लगता है जो बहुत भ्रम में जी रहे हैं लोग, विषय भोगों में इतने मस्त है गाफिल बनकर, वर्तमान में जी लो, वे कहते लिव इन रियलिटी। हम कोई कल्पना में नहीं जीना चाहिए हमको, क्या जी तो रहे हैं कल्पना में, और ये कहते हैं सत्यता में जियो, कल्पना में मत उड़ो। स्वर्ग मोक्ष ये नरक आदि उनको कल्पना लगती है, ये अज्ञानी जीव है ना। क्या कह रहा था, रह गई बात। यहां पर पूरा सेंट्रल आइडिया आत्मा को मानकर बात करी जा रही है। यहां पर कहीं फोकस में बाह्य संयोग आदि की तो कोई बात ही नहीं है, और जगत में जितना भी उपदेश है वो सब परिकर परिसर के हित की बात है। फिर वो ऐसा ही उपदेश चलता है, मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए, फिर कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। या फिर ये कह रहे वहाँ पर अपना क्या आया, संपर्क बड़ा ना। हाँ मैं ये कह रहा था, वास्तव में कभी कभी ये लगता है मुझे, अभी आपको वैसे लगेगा थोड़ा, जो बहुत गाफिलता में जीते हैं ऐसा वास्तव में अंदर में लगता है, उन पर प्रतिकूलता के मार पड़े तो समझ में आए। अनुकूलता धर्म मार्ग में लगने नहीं देती। ये तो सब जन कहते हैं अस्पताल में एक महीना लेटे पड़ेंगे, क्या करेंगे, विचार करो विचार करो, यहाँ पर स्वाध्याय में क्यों नहीं आते। सभी जन कहते ही ऐसा स्वाध्याय में प्रेरणा करने के लिए सब जन ऐसा कहते हैं, यदि एक्सीडेंट हो जाए तो महीने भर लेटे नहीं रहेंगे क्या। गंभीरता से विचार कोई नहीं करता इस बात का, ऐसा लगता है ये हमारी कैसे विचार करते हैं हमारे बारे में, बद्दुआ दे रहे हैं हमारे। डॉक्टर ने ये देखकर ये कहा कि देखो तुम एक कण भी खाओगे ना उसका तुम तेल का मरोगे सीधा। वो ये नहीं देखता कि हमें बद्दुआ दे रहे हैं। आज तक किसी ने उसको मारा नहीं, डॉक्टर ने ऐसा बोला इसलिए, फिर अच्छा वो हमको बताया। वो लगता है ये सजग कर रहा है हमको, अच्छा वो बताया, और घर पर जाकर पहले घोषणा कर देता है ध्यान से सब समझ लो डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला। यहाँ पर इस क्षेत्र में फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर की जितनी अनुकूलता है, अभी अभी एक सूत्र बोला था ना उसका अर्थ कर रहा हूँ मैं,
देह के लिए जितना हितकारी है वो सब आत्मा के लिए अहितकारी है। तो शरीर की अनुकूलता धर्म में बढ़ने में नहीं प्रेरित करती। और कदाचित किसी किसी को ऐसा होता है कि अनुकूलता दिखते हुए भी धर्म में प्रवृत्त कर रहा है, उसको भी कभी कोई प्रतिकूलता ही थी, आज उसका असर है या आज भी बराबर धर्म को नहीं छोड़ रहा। प्रतिकूलता आना जरूरी है। अभी अभी बहुत अच्छी बात पढ़ी मैंने सुभाषित रत्न संदोह की, मैं ऐसी बात आई कि कान पर आया वाला सफेद बाल कान पर ही सबसे पहले क्यों आता है, क्योंकि कह रहे कान में आकर वो कुछ संदेश देता है हमको। काम कर ले जल्दी। वास्तव में मुझे कभी कभी लगता है कि प्रतिकूलता आनी चाहिए, और प्रतिकूलता है तो उसका जल्दी उपाय नहीं करना चाहिए मिटने का। ये बराबर साधन मैंने कहा था ना उस दिन, संत तुकाराम का एक काव्य आता है जिसमें उन्होंने लिखा है प्रतिकूलता देगा देवा, प्रतिकूलता देना मुझे, मुझे विसरण ना पड़े आपकी। क्योंकि कैसे भी हो आत्मा का हित होना जरूरी है, और इतनी बड़ी जोखिम इतनी बड़ी रिस्क होने पर भी अपन कहेंगे आने दो समस्या, उसको फंसने दो, थोड़ा फंसने दो अच्छे से। कैसी बात करते हो, नहीं कह रहे ये भी जो प्रतिकूलता ही है और उसके बाद भी हाथ पैर टूटने के बाद भी जो धर्म मार्ग में लगता है तो ये प्रतिकूलता ना सफल है उसके जीवन में। मैं हमेशा मेरे पिताजी को ये कहता था, अभी खनिया धाना में नहीं गया था मैं, तब की बात है, ये जाने को ही था, मेरे जाने के दिन थे ये। तो पिताजी को निरंतर कहता था नहीं करना है हमको कुछ, बस करना है सब। तो किसी सिलसिले में गए थे, कोई बहुत बड़ी ऑर्डर मिलनी थी तो गए थे कहीं, तो ये पता चला किसी ने आकर ये बोला मुझे, काउंटर पर था मैं, बोले अस्पताल में पिताजी एडमिट है। एकदम ऐसा लगा ये क्या हो गया। तो अभी अभी तो गए थे यहाँ से, गया दौड़ता वहाँ पर पास में ही था वो हॉस्पिटल, तो ये पता चल गया था रास्ते में कि गाड़ी पलट गई है इनकी, बीच में जहाँ पर जा रहे थे गाड़ी बिल्कुल फोर व्हीलर पलट गई थी, एक तरफ रास्ते के हो गई थी। अब कुछ भी हुआ होगा, मैं जैसे ही अंदर में प्रवेश कर रहा था तो मैंने उनको कहा, होश में तो थे, मैंने कहा क्या विचार किया है, कुछ निवृत्ति लेनी है कि नहीं। बहुत संकट में थी वो स्थिति, और सब जना ऐसे देखने लगे, कह रहे तुमको यही टाइम मिल गया है। अरे तब ये बोलने थोड़ी देते ये लोग अपने को, आज ये चुपचाप सुनेंगे। तो फिर एकदम धीमी आवाज में, हिम्मत तो हार जाता है फटाफट, एकदम उसका एकदम मिथ्या तो वो धराशायी हो जाता है एकदम, क्या मान बैठते एकदम एकदम क्या क्या हो जाता है, उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था ऐसा, एकदम ठिकाने लग गया था हाथ पूरा इमूवेबल और टूट गया था। तो एकदम धीमी आवाज में बोल रहे थे, तो फिर मैंने कहा क्यों अभी कुछ विचार बनाया धर्म मार्ग में आने का, हाँ अब यही करना है बोले। तो बहुत स्वीकृति उनके स्वर में थी, मैंने कहा यह स्वर बदलने देना है, नहीं नहीं बोले अभी यही करना है। मैंने कहा तो मैं कि हाँ तुम बार बार कहते रहते हो, सही कहते रहते हो, सही कहते रहते हो। फिर घर पर गए, फिर 15-20 दिन बेड रेस्ट थी। तो मैं हमेशा उनको ये कहता था ये तो प्रतिकूलता तो खत्म हो जाएगी, ये तो स्पीड ब्रेकर है, ऐसे थोड़ी क्या मर जाओगे, कुछ नहीं होना ऐसा, ये तो एक स्पीड ब्रेकर है जिसमें बारंबार हमको ये सावधानी मिलती है कि बहुत डेंजरस टर्न है आगे। वो तो डेंजरस टर्न के पहले पहले कुछ स्पीड ब्रेकर डाल देते हैं, क्यों किसी को पता ही नहीं सावधानी में एकदम चले तो सीधा निकल जाए नीचे, तो स्पीड ब्रेकर इसलिए, अभी स्पीड कम करोगे तुम तो तुमको फुर्सत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर और क्या स्पीड बढ़ा पाओगे, यही पर आगे टर्न है। तो ये एक एक स्पीड ब्रेकर जीवन में आ रहा है, यह हमको
सूचित कर रहा है और फिर वैसे ही होता है, वो ठीक हो गए फिर इतनी लंबी लिस्ट बनी रहती है 15 दिन में उन लोगों ने संचित, और हम इतना इतना पाप नहीं कर पाए तो फर्स्ट डे से फिर चालू। कभी कभी वास्तव में ये लगता है कि देह को जो अपकारी है वो जीव को बहुत उपकारी है, ठीक है। इसलिए श्रीमद् जी ने भी लिखा है जब प्रतिकूलता आए तो विशेष धर्म साधन करना। धर्म साधन तो साधक जीव करता ही रहता है, प्रतिकूलता में विशेष धर्म साधन करना। यहाँ पर तो उपदेश है आत्मा का हित क्या है। पहले तो हम ये जाने हम कौन है, हम कौन है ये नहीं जानते हैं, पहला घड़ा यदि उल्टा है तो ये उपदेश हमको समझ में नहीं आ सकता। मैंने कहा ना अभी आपके हित की बात कह रहा हूँ, आपके हित की बात कह रहा हूँ कहकर वो जितना भी लोग कहते हैं वो सब असमान जाति द्रव्य परे के हित की बात करते हैं, ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर वकील जितने भी बैठे हैं हितैषी आपने, ये सब एक वर्तमान परे की बात कहते हैं जिसमें छल भरे भी पूरी बसी है। यहाँ पर कह रहे प्रथम तो ये स्वीकार करना कि आत्म तत्व है, प्रथम तो दुख दूर करने के लिए अपापर का ज्ञान होना चाहिए, तो मैं आत्मा हूँ ऐसा पहले स्वीकार करो। और वह विकृति जिसके बारे में तुम रोज शिकायत करते रहते हो वो अपनी समस्या ही नहीं है, अपनी समस्या बाहर को कुछ हटाने जुटाने की नहीं है, अपनी समस्या उसके अनुरूप अपनी मनस्थिति को बनाना है, समझ में आ रहा है। इसी में आत्मा का हित है। तो यहाँ पर तो ये बोला जा रहा है आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये प्रकरण है। मोक्ष मतलब छुटना, मुंचे धातु से बनता है। आत्मा को तो यही सारे हो राग द्वेष से हटे, आत्म के अहित विषय कषाय, विषय संबंधी जो कषाय है वे आत्म के लिए अहित है, और जो हितरूप उससे छुटना है ये बताई जाएगी। मूल तो राग द्वेष से छुटना ही हितकारी है। मोक्ष मतलब भी होता क्या है, राग द्वेष से छुटकारा। पढ़ते हैं, वह आत्मा का हित मोक्ष ही है अन्य नहीं, ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते हैं। ये मैंने कल थोड़े से अनेकांत की बात कही थी, आपको याद होगा तो सम्यक अनेकांत का एक नमूना देख लीजिए। आत्मा का हित मोक्ष ही है कौमा अन्य नहीं, अन्य नहीं डाला ना, ये सम्यक अनेकांत हो गए। और ऊपर जो इन्होंने हेडिंग दिया है अपनी तरफ से, पंडित जी ने नहीं दिया है, आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये सम्यक एकांत वाला हेडिंग है। और नीचे जो कॉमा डाल के अन्य नहीं किया और पुष्ट किया नास्ति से, ये सम्यक अनेकांत की शैली। आत्मा का हित मोक्ष ही है अन्य नहीं, ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है इसको कहते हैं। ऐसा किस प्रकार निश्चय बैठे बैठे कैसे हमारे दिमाग में, आज का भी टॉपिक ऐसा ही है ना, वैराग्य कैसे हो, ये मोक्ष ही हित रूप है यह हमारे दिमाग में कैसे बैठे, कान में कैसे बैठे ये बात नहीं चल रही है अभी। ये देखो हमको इतना अभ्यास हो गया है इन शब्दों का, हम घंटों उपदेश देते हैं और आज कोई दुखी आकर बस खड़ा हुए हमारे सामने। हम सभी जन पंडित होने को तैयार है और सभी जन की ये बात है साहब इनको समझाओ, थोड़ा ये लगते ही नहीं धर्म मार्ग में, इनको समझाओ इनको समझाओ इनको समझाओ। सबकी ये समस्या है कि ये सब दूसरों को बिगड़े ही समझते हैं और स्वयं बिगड़े समझते हैं। अरे दोनों बिगड़े ही है, वो ज़्यादा बिगड़ा है तो कम बिगड़ा है और समस्या अपनी ज्यादा है, उनको तो टोक रहे हैं, सच बोलूं उनको भी अंदर से लग रहा है कि ये कोई स्थाई नहीं है उपाय। लेकिन बेचारे भी ये सोच रहे हैं कि, और वे बेचारे हमको धर्म में साधन जुटा रहे हैं, वे कह रहे हैं इन्होंने तो करना छोड़ दिया, अभी हम भी चुप रह जाएंगे तो ये कौन करेगा फिर। मूल पद्धति क्या, पिताजी आप निवृत्त हो जाओ हम देखेंगे सब, अभी हम ही निवृत्त हो गए और पिताजी को कह रहे पिताजी आप कुछ मत करो। अब पिताजी ये सोच रहे अभी हमको और समस्या खड़ी है, अब तुम तो बैठ गए, मतलब उनका अभिप्राय ये है ये धर्म मार्ग कर रहे हैं, अंदर से तो सोचते ही होंगे ये सब अच्छा कर रहे हैं। अब समझ रहे मेरी बात को, हम समझते हैं इनको समझाओ, लेकिन इनको तो दुनिया समझा रही है, वे भी स्वयं को फील कर रहे हैं, लेकिन हमको कौन समझाएगा। और वास्तव में जीवन चला जाएगा, थोड़ी सा उपलब्धि हो जाएगी, गए तो जा सकते हैं, कोई देवगति की कोई सीट मिल सकती है,
लेकिन कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी यदि हम आत्म कल्याण नहीं करते हैं तो। ये आत्म कल्याण, ये उपचार का आत्म कल्याण चल रहा है, लेकिन ये कान से लेकर, मैंने इसलिए कहता ना, वचन को कर्णेन्द्रिय का नहीं अतिन्द्रिय का विषय बनाओ, और वो अतिन्द्रिय का विषय किसी प्रकार नहीं बन पा रहा है, तो कैसे हमारा कल्याण होगा, किनको समझाओ। और सच्ची बात यही है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अभी गांधी जी का वहाँ पर भी अपना स्टेटमेंट पढ़ा, वो यही था कि वो विचार करते कि मैं नहीं सुधरूंगा तो परिवार को सुधार का कैसे उपदेश दूंगा और पूरे देश को कैसे दूंगा। तो पहले हम में कोई बिगाड़ हो तो हम दूसरों को उपदेश नहीं दे सकते हैं। हम पहले सम्यक दृष्टि बने, स्वाध्याय की बात नहीं है अभी मात्र, हम सम्यक दृष्टि बने, हमको देखकर दूसरों को लगे कि हमको भी ये काम करना चाहिए। वह आत्मा कहित मोक्ष ही है, अन्य नहीं, ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते हैं। अपन पार्श्वनाथ के भी भावों को थोड़ा देखें ना, निरंतर 9 भावों तक कुछ ना कुछ शल्य रही जाती थी। मुनि अवस्था में भी पार्श्वनाथ को ऐसा लगता था कि ये मेरे पीछे क्यों लगाए जबरन का, भाई मैंने इसके क्या बिगाड़ा है, ये मेरे पीछे लगाए। 9 भावों तक ऐसी शल्य बनी रही, और अंतिम भाव में उनको पहली दफे कुछ भी नहीं लगाई, पत्थर की वर्षा वगैरह, वे आत्मस्वरूप में गए तो पहली दफे संवर देव ने सम्यक्त्व को प्राप्त किया था। ये अभी तक इनको शल्य रहती थी तो उनको भी कषाय बनी थी, आप समझ रहे हैं सर। ये आत्मस्वरूप को प्राप्त हुए, ये पहला अवसर था संवर देव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी। अभी तक संवर को प्राप्ति, सम्यक्त्व की प्राप्ति का कोई उल्लेख नहीं था। हम शांत हुए तो दूसरे शांति बने पड़ेंगे, समझ में आया। तुम क्यों मार रहे हो पत्थर, देखो तुम्हारे कितने भाव बन देंगे, ये नहीं काम चलेगा, लॉजिक है ये। कितनी बार कोई किसी को हैरान परेशान कर सकता है, होता है ना, हम लोग में भी देखते हैं, अब ये इनको चढ़ाए, ये इनको चढ़ाए, हम कहते तुम चुप रहना, तुम मुस्कुराना, तुम कुछ नहीं बोलना, तो वो एक तरफा ज्यादा नहीं चल सकेगा उनका, समझ में आ रहा है। आत्मा के कैसे बिठाना अपने ज्ञान में देखे, आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्यरूप अवस्थाएं पाई जाती है, कई प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। अभी पर्यायों में अर्थ पर्याय भी हो सकती है, व्यंजन पर्याय भी हो सकती है, ठीक है। उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है, देखो अनंत पर्यायों को सामने रखा है आत्मा की, अनंत पर्याय में से कैटेगराइज करे तो कितनी ही पर्याय से उससे आत्मा का कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता कह रहे। एक पर्याय में ये दुख होता है यदि, तो उससे आत्मा का बिगाड़ होता है, यदि सुख होता है तो उससे सुधार होता है। बाकी कितनी पर्याय है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, अनंत अनंत पर्याय है, उससे कोई मतलब नहीं है कह रहे जी को। ज्ञान भी है, अभी थोड़ी देर के लिए कहो तो ज्ञान भी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है जीव को। जीव वो सुखी, वो उसका सुधार, और दुख होना वो उसका बिगाड़। देखो ज्ञान भी मूल प्रयोजन नहीं है हमारा, कम ज्ञान में कोई सुखी रहता हो तो वो उसमें सुखी है, ख्याल में आता है। वो तो भ्रम है ज्यादा पढ़े लिखे वालों का कि ये तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है। वो ख्याल में होगी ना आपको, वो गुजर रहे थे गाड़ी रस्ते के बगल में, एक आदमी रोजाना लेटा रहता था पेड़ के नीचे, और ये गाड़ी में रोज 4-5 जन रोज कुछ पढ़ाई पढ़ने जाते थे, सालों से देख रहे थे बराबर। तो एक दिन ये चर्चा करते जा और हंसते जाते थे उस आदमी की तरफ, बीच में हाईवे पर वो खेती के बगल में पेड़ था, वो सोचते हंसते जाते थे, सोचते थे या इतना बड़ा हुआ है कुछ। तो फिर एक दिन उसने रोक कर बोला, दूर से ही पकड़ लिया गाड़ी को, बोले आप लोग हंसते क्यों जाते हैं, बोले कि तुम इतनी उम्र हो गई तुम कुछ करो, बोले तुम क्या करते हो, तो हम पढ़ते हैं, पढ़ के क्या करोगे, बोले हम कोई पद की बात करी, कोई नौकरी करेंगे, गुलामी करेंगे या बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो कह रहे उससे क्या होगा, कह रहे पैसा मिलेगा उससे क्या होगा, तो भोग के साधन मिलेंगे उससे क्या होगा, सुखी तो मैं आप भी हो गए इच्छाएं में बैठकर, तुम क्या के लिए इतना दौड़ रहे हैं। मतलब ये तो हमारी मान्यता ही हुई, मतलब मुझे कहना ये है ज्ञान की भी हिनादिक तो कोई मायने नहीं रही अब यहाँ पर, ठीक है। एक जीव का बिगाड़ दुख से, जीव का सुधार सुख से होता है, ओके।
जय त्रिभुवन में जीवानंद सुख चाहे दुखते भवन, ये वाली लाइन है आगे। उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा को कुछ बिगाड़ सुधार नहीं, कोई कितना भी कुरूप हो वो उसमें संतुष्ट है, उसे सुखी है बस। और कोई रूपवान है बहुत, परे की बात चल रही ना, तो कह रहे उसमें भी असंतुष्ट रह सकता है, कोई बात नहीं उसकी, पता है कि नहीं। कितने कितने होते हैं और उनके पत्नी पति उसमें संतुष्ट रहते हैं, और कितनी पत्नियां सुंदर रहती हैं उनके पति पत्नी की जानती नहीं है, क्या खाक करेगी वो चमड़ी, आप समझते हो। कह रहे कोई मतलब ही नहीं है, कह रहे बाहर के पर्याय का, बाहर के पर्याय में मैं कौन सी पर्याय डाल रहा हूँ, ये चमड़ी की पर्याय भी डाल दी मैंने, असमान जाति द्रव्य पर्याय, क्योंकि ये अभी डालने वाले हैं, व्यंजन पर्याय को भी लेंगे, खड़ा करेंगे ये अभी, क्यों दिखती यही पर्याय है हमको, पर्याय के नाम पर अर्थ पर्याय तो सूक्ष्म है, वो तो दिखने से रही, ये जो दिखती और पूरा उपाय ये बाहर ही करता है। देखे थोड़ा समझे अपन, आठ कर्म है, कितने कौन कौन से बताना सर्वज्ञ, ज्ञानावलन, हाँ, अंतराय, वेदनी, आयुष्क, नाम, गोत्र। अभी देखो चार घातिक कर्मों में तो धक्का लगाने का भाव नहीं है इसका, घातिक कर्म में से एक दुख है ना वो मोहनी का, उपाय करना है उसमें, और जो अघाती संबंधी प्रकृतियां है ना अब उसमें उपाय करता रहता है। देखो उसमें भी क्या करते है, सुनो समझो, वेदनी आयु नाम गोत्र है ना पूरे चार, उसमें आयु में तो फेर पार का इसको कभी विकल्प ही नहीं आता, ये नहीं सोचता कभी मैं तिरंज बन जाऊँ, मैं देव बन जाऊँ, ऐसे कभी विकल्प नहीं आता, आयु का तो काम हट गया। वेदनीय अभी आयु में वैसे क्या है, आयु में एक प्रकार से तो पूरा जीवन लगा रहा है, कैसे मैं जिंदा रहूँ, मैं जिंदा रहूँ, मैं जिंदा रहूँ, ऐसा तो लगा रहा है पूरा। तो अपन यू भी कह सकते हैं वेदनीय आयु नाम गोत्र, अच्छा गोत्र बदलने की कोई चेष्टा नहीं करता है, हम थोड़ा विचार कर रहे हैं उसका प्रयास कहाँ पर है, आठ कर्मों संबंधित गोत्र में उसकी कोई बात नहीं है। वेदनीय आयु नाम उसका पूरी मेहनत वेदनीय के नाम पर, इसको साता का साता 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 बनी रहे, तो पूरी मेहनत वो साता में कर रहा है, यहाँ पर वेदनीय आयु आयु में जीवन बना रहे बना रहे बना रहे, और थोड़ा प्रयास नाम कर्म में भी करता है, नाम कर्म में हालांकि थोड़ा ही प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज है सबको, मरण, ये शब्द सुनकर ही वो बहुत कपने लगता है, मरण ये शब्द भी अच्छा अच्छों को समझ में आता है, तो पूरा प्रयास उसका। और नाम गोत्र में कहां पर चल सकता है उसकी ज्यादा, कि वो चमड़ी कैसे, लेकिन वो हम ये समझे ये पर्टिकुलर उम्र में होता होगा ऐसा मान के चलो आप, तो वेदनीय और आयु इसमें पूरा जीवन दाव पर लगा देता है। वेदनीय पे वेदनीय मतलब सात वेदनीय मतलब अनुकूल पड़े, सब अनुकूल पड़े अनुकूल पड़े, कह रहे हैं आत्मा को कुछ बिगाड़ सुधारने, कोई सी भी अवस्था हो आत्मा को कुछ बिगाड़ सुधारने, हमको एकदम कन्विंस करा रहे हैं, कह रहे हैं आत्मा की अवस्था हो, अरे बाहर के तो सहयोग की बात ही नहीं की, आनंद की बात है ये बहुत प्रसिद्ध, खुश हो जाओ क्या कि बाहर कुछ बाहर की कोई अवस्था सुख दुख में कारण ही नहीं, अरे और तो और आत्मा की भी सभी को बहुत अवस्था है, वो भी सुख दुख में कारणभूत नहीं है, कह रहे बिगाड़ उससे भी कुछ नहीं है। देखो बाहर का तो पहले ही पेटा खाली कर दिया है, बीवी बच्चों की बात नहीं ली, अभी कह रहे हैं यहाँ पर भी अनंत पर्याय में से एक सुख पर्याय से सुधार होता है, दुख पर्याय से बिगाड़ होता है। आगे एक सुख दुख अवस्था से बिगड़ सुधर वहां कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को अरसी क्यों, इसमें हेतु दृष्टांत की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, कह रहे ये सबको परिचित है, सब जन सुखी होने के लिए सब काम करते हैं, कोई कोई कुछ भी करता हो वो सुखी होने के नाम पर करता है, प्रसिद्धि भी कोई चाहता हो वो मानता है प्रसिद्धि में सुख है इसलिए वो प्रसिद्धि चाहता है, कोई कुछ भी करे वो उसमें सुख की स्थापना करके ही करता है, फिर कोई उल्टा भी वो काम करता दिखे तो उल्टे वो सुख की स्थापना वैसी पड़ी, चाहते तो सब सुखी होना है। आगे लोक में जितने आत्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख ना हो सुख हो, सबका यह उपाय है, ठीक है सुनो सुनो,
बच्चे हमारे सुखी हो, हमें हमारी कुछ नहीं पड़ी, हमारी कुछ नहीं पड़ी, ऐसी दम भरने वाला भी वो सुख की स्थापना ऐसी कर बैठा है तो बहुत बड़ा धोखा खा रहे हो। कह रहे हमको क्या, हमको क्या, हम एक सेकंड में घर छोड़ के जाएंगे, हम तो तुम्हारे पीछे रुके। और वो जितना भी राग है उनको, इनको दुगना राग है कि वे उस विषय को छोड़े और ये इनको संभालने बैठे। आप समझते हो क्या कहा? तो एक विषय को दूर रखना और इनको, इनका भी ध्यान रखना, विषयों को और इनको, दोनों को दूर रखना, ये दो काम इनके बन गए हैं। आप समझते हो? कहते हमको क्या, हमको क्या कहकर, कह रहे तुम्हारे सुख की स्थापना है ना उसमें, नहीं हमारी इतनी वांछा ये धर्म मार्ग में लगे, ये धर्म मार्ग में लगे। अभी अभी की जो बात थी, मतलब क्या चाहते हो? नहीं वे सुखी हो ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन वे सुखी हो ऐसी जो इच्छा है तुम्हारी, तुम दुखी हो रहे ना उस बात को लेकर, उनके सुख में ही हमारा सुख है, तो इसी को तो मिथ्या तो कहते हैं। और क्या होता है मिथ्या? ये कोई खुशखबर थोड़ी सुना रहे तुम साहब, आपका आपके अच्छे में ही हमारी अच्छाई, ये तो बहुत ऊपर से बहुत स्वीट शुगर लगती है बात करने में। सब आपका अच्छा हो तो हमारे कोई अच्छी बात ही नहीं है, तो ये अटैचमेंट की बात हो रही है पूरी। हमारे हमको कोई लेना देना है, हमारे बच्चों का अच्छा हो, माँ बाप भी ये कहते भाई बहुत लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, भाई तुम निकले के हम निकले, बोलो जल्दी आज कमाए सब हमने है, माँ बाप ये कहते तुम रहो खुशी से, हम निकल जाते हैं। लोग में उसको समर्पण मानते हैं, सब अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये भी ये मान बैठे हैं कि इनके सुख में हम सुखी होंगे। आप सब समझ रहे हैं? ये कोई निवृत्ति परक थोड़ी जा रहे बाहर निकल के, ये तो अपने सुख की पूर्ति के लिए कि हम रह रहे तो ये दुखी हो रहे बेचारे, तो ये ज्यादा मोही है। ये जी याद आ रहे टोडरमल जी साहब ने मोह की महिमा में ऐसा बोल दिया, कभी कभी शरीर में रोग हो जाए, देह पुत्र में भी कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो कहते हैं कभी कभी अपने देह की भी प्रतिकूलता को प्रतिकूलता नहीं देखता, पुत्र के प्रति इतना मोह करता है कि अपने देह को भी नहीं गिनता, और कभी उल्टा हो जाता है, ऐसा होता है ना। मुझे ये कहना है कि ये तो इसमें मोह बैठा है, उसमें भी मोह स्थापित किया, दोनों वस्तुओं में। अब कभी कभार ये होता है उस संबंधी ज्यादा मोह हो गए तो ये ढीला पड़ जाता है, शरीर गया तो गया, फिर कभी देश का मोह भी हावी हो सकता है। गांधी जी है, ये है, ये ऐसे मोही जीव थे। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? देह गया तो गया, गोली भी किसने मारी तो हम हे राम ही बोलेंगे, लेकिन देश को किसने हाथ लगा तो देख लेना, जगह जगह हम चरका, फिर कॉटन लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, ये तो सुख की मान्यता है सब जगह। समझ में आता है? ये तो ये है, सब जगत विश्व के सुख में हमारा सुख है, ऐसा जो मान बैठा है वो महादुखी है। क्यों? उसका सुख तो और पराधीन हो गया, क्योंकि वो कब सुखी होगा जब उसको भेद विज्ञान होगा, अब ये जब सुखी होगा तब ये सुखी होगा, ऐसा बोल रहे हैं। समझ में आता है? लोक में जितने आत्मा है उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख न हो सुख हो, तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं। ऊपरी क्या लगता है पंडित जी कितना 5-5 घंटे पढ़ा रहे, 6-6 घंटे पढ़ा रहे, सब जगह कहते हैं मुझे, वो ऊपर से ऐसा लगता है ये अपने ऊपर कितना उपकार कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, बिल्कुल झूठी बात है ये। ये अपने राग को शांत करने की बात है, ये आत्मस्थिरता हमारी होती तो ये एकदम हलाहल दिखने लग जाता। आप समझते हो? अरे बुद्धिपूर्वक चेष्टा चल रही ना, प्रयास पूरा, तो सब अपना अपने दुख मिटाते हैं। आप लोग यहाँ पर आकर अपने दुख मिटाते हो, मैं बोल बोल के मिटाता हूँ, आप सुन सुन के मिटाते हैं। आप समझ रहे हैं सब? इसमें कोई परमार्थ नहीं सदा किसी का। बाह्य विषयों का आलम्बन आपने लिया, बाह्य विषयों का क्यों, कोई सुनाने वाला हो। अब हमने क्या आलम्बन लिया, कोई सुनने वाला हो। आप समझ रहे? आप सब मिलके एक क्या दिन, मैं एक मिलके आप सब क्या दिन। एक बात है स्थूल रूप से आप विचार करना, और चरित्र मोह में डाल सकते हैं आप उसको, किसी भी मोह में डालो आप, क्योंकि मैं स्वयं को मिथ्या दृष्टि कैसे बोल सकता हूं। लेकिन है तो वो दुख। आगे देखो, जितने भी जन उपाय करते हैं तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। सबका एक यही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है सबका? विशुद्ध। बढ़िया बैठे हो एकदम। क्या प्रयोजन है सबका? सुखी होना। क्लास में जितने जन बैठे हैं क्या प्रयोजन है? क्लास में, स्कूल में पढ़ाई करना, टॉप करना, विद्यार्थी, विद्या ही उनका प्रयोजन है।
हम मार्केट में जब चलते हैं, जब एक कोई इलेक्ट्रिकल की दुकान है, कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, जूता चप्पल की दुकान है, भेलपुड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, चश्मे की दुकान है, लगाओ लाइन सब, ये जितनी भी दुकानें हैं उनको एक लाइन में क्या बोलोगे? बोलो एक लाइन में, ये सब पैसा कमाने वाली दुकानें हैं, ये सब लूटने की दुकानें हैं। और जो एक कोने में खड़ा रहकर चिल्ला रहा है जोर जोर से, क्या, अरे मैं लूट गया लूट गया लूट गया, उसका भी प्रयोजन लूटना नहीं है, लूटना है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? साहब कुछ नहीं मिल रहा है, लॉस में जा रहा है माल, लॉस में लॉस में, ऐसा कहने वाला दुकानदार भी क्या कर रहा है? मैं लूट गया जो बोल रहा है वो, बहुत सस्ते में दे दिया, बहुत सस्ते में दे दिया। अब आप लोग, आप भी सामने खड़े हो, अभी आपको तो बढ़ा नहीं सकता मेरे, चल लूट गया लूट गया लूट गया। जितने भी दुकानें हैं बोलो एक शब्द में, बोलो काई की दुकानें हैं? लूटने की दुकानें हैं। क्या कहना चाहते हो? जितने भी जीव है क्या कर रहे हैं? सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आता है? और लूट गया के नाम पर भी लूट रहा है। तो कोई कोई लोग ऐसे हैं, बहुत दुखी हो रहे के नाम पर सुखी हो रहे। कैसे कैसे? हम कितना भी दुख भुगत लेंगे, हम तो दुखी, लेकिन आपको तो सुखी करेंगे। अरे वो दुखी कह रहा है लेकिन उसमें उसको सुख दिखता है। भैया ये पकड़ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जितने जन कह रहे हम सुखी हुए, तो सुखी है ही, सुखी है मतलब यहाँ पर काल्पनिक सुख की बात चल रही है। लेकिन जो कह रहे हैं, जो कह रहे हमने तो बहुत दुख भोग रहे आज, बस इनको सुख हो जाए, वे भी उसमें सुखी मान रहे हैं। अब थोड़ा गंभीरता से और गहराई से विचार करना, ठीक है? आगे दूसरा प्रयोजन नहीं है, जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं। फिर वो कौन हो सकता है? वो कोई भी हो, एनी वन। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं। और बहुत बड़े पद वाला हो आदमी, तो बहुत छोटे पद वाला हो तो फिर वो कहेगा इनको यहाँ नहीं वहाँ कर दो। बड़े पद वाला हो तो उनके बस चले तो कहेगा इस गांव में नहीं बाहर के गांव में कर दो। और बड़े देश वालों तो कहते देश से बाहर निकाल दो। वो तो हैसियत की बात है अपनी अपनी, कौन कितना कर सकता है उसका उपाय। लेकिन जो जहाँ पर खड़ा है उतनी मात्रा में करता रहता है वो उपाय, ठीक, हटाने का उपाय करता है। दूसरा, जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, मिट्टी का घर बना रही हो भौरा, अब थोड़ा उसको कुछ करके देखना ऊपर, और हटने के बाद भी कितनी दफे वो चक्रे लगाती रहते हैं वहां पर, मेरा कुछ लुट गया है चला गया। वो चाहती नहीं उसका थोड़ा भी वियोग होना, दुख अनुभव करता है ना। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं, ठीक है ना। मैंने वो तो घटना तो अपन तो ग्रंथ में पढ़ते ही है। वास्तव में एक बार मेरे पड़ोस में एक कुतिया ने वो 7-8 बच्चों को जन्म दे दिया, तो रोज खिलाते करते वो उनके मालिक, मैं रोज गुजरता था वहाँ से, तो वो कितने 7-8 बच्चे थे उसके, और दूसरे दिन घट के 5 ही रह गए। तो बात करते गए, बहुत साल पहले की बात है ये, तो 20-25 साल पहले की। वो बोले कि फिर वो बच्चा बोला मेरी उम्र का एक लड़का, बोले अभी 5 ही रह गए। मैंने कहा क्या बात है? बोले उसको बहुत भूख लगती है ना, वो इन्हीं बच्चों को खा लेता है। देखो मतलब थोड़ी कोई आपत्ति पड़े तो एकदम गुर्रा कर छलांग लगाए उन पर, हमारे बच्चों को कौन छेड़ रहा है। देखो उनके लिए सुख, सुख की कल्पना की बात चल रही है, सब सुखी करने के लिए कर रहा है, स्वयं सुखी होने के लिए, स्वयं का विकल्प है उनको बचाए, तो उसमें कोई अड़ा आएगा तो फाड़ के खाएगा तुमको। अब उनको विकल्प है अपन को फाड़ के खाना है इसको, इसमें कोई उसको रक्षा करने का भाव करेगा तो भी फाड़ के खाएगा वो आपको। उसके सुख की कल्पना की बात है, फिर वो कोई पर्टिकुलर उसका फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा हो, वो तो उसका भाव बनेगा उस दिन वैसा मेनू बनेगा वो। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं हमने मेनू सेट कर दिया आज ये सब्जी बनाना तो ये सब्जी मतलब इनको सुखदाई है, ऐसा नहीं, वो पर्टिकुलर टाइम का मेनू था वो आपका मेरा। समझ में आता है? देखो कितनी बड़ी बात है, एकदम विरोधी बातें लगती है। एक तो रक्षा के नाम पर और एक तो भक्षण के नाम पर, कोई बीच में आए तो बर्दाश्त नहीं। जब रक्षा का भाव हुआ तो रक्षा में, और जब भक्षण का भाव हुआ तो भक्षण में। कहते हैं ना कि सांप कुंडली मार के बैठता है, नागिन
और जितने भी लाख कहते हैं लाखों जनों को जन्म देता है एक समय में, लाखों। अब मैं बताता हूँ, और कुंडली मार के बैठते हुए तो बेचारे छोटे छोटे हैं, वे तो क्या कैसे भागेंगे जल्दी, तो कुंडली मार के बैठते उसी कुंडली में फटाफट जो भी जन्मते है फटाफट उनको खा लेता है। और ये जितने भी घूमते दिख रहे ना सब जगह देश में साफ, वे तो छुटके बच के आए वाले है, ये सब बस चलता तो इनको भी नहीं छोड़ता, वो तो अपने भाग्य से बच के बाहर निकल गए, सो दिख रही है इतने सब, समझ में आ रहा है, ये लाखों दिख रही है बच के गलती से दिख रही है सब। और जिनके निमित्त देखो अपन इतना मोह कर रहे हैं आज बच्चों में, यहाँ पर थोड़ी पर्य बदलने की बात है। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ जो भी हॉस्टल में छोड़ने आते हैं बच्चों को, बच्चे तो मोह ही होते हैं, पापा जी नहीं पढ़ना, पापा जी नहीं पढ़ना। मैं खनिया थाने में था, एक प्रसंग ऐसा बना था कि वो केवल आलू प्याज को लेकर कि यहाँ पर आलू प्याज नहीं मिलता, वो बहुत उसने वो ट्रस्टियों के साथ थोड़ा सा एकदम रूड पेरेंट होते हैं ना, बहुत गाँव गली के ऐसे होते हैं, तो एकदम वो बहुत लड़ाई करके चला गया, क्या बच्चों का लाइफ है, अभी से ऐसा कर रहे अभी से ऐसा कर रहे। सच्ची घटना नरसिंहपुर का था वो, वहाँ के ही। तो बराबर एक महीने बाद ही ऐसी खबर मिली हमें कि ये रोड पर गाड़ी चलाना सिखा रहा था, फोर व्हीलर आई इसको भी उड़ाया और एक जन कौन था उसको भी उड़ाया, दोनों जनों मर गए। तो मैंने ये बात रखी सबके सामने, जिस उम्र में जो होना चाहिए संयम उसका तो विरोध कर रहा है, और गवर्नमेंट वहां पर बोल रही है इतनी कम उम्र में नहीं चलाना, वहां पर तो चला रहे जबरदस्ती से, आप समझ रहे, जिसका विरोध हो रहा है उसको तो करा रहा है, और जिसको जो होना चाहिए उम्र के अनुसार, सुख ने जीव ने कहा कहा जीव की स्थापना करी है, बात समझ में आए, एकदम उल्टी दिशा। और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके उपाय करता है आगे। फिर जैसे पैसा बहुत खड़ा कर रहा है, अभी थोड़ा लगे प्रसिद्धि होगी तो वहां पर पैसा लुटाता दिखता है, करोड़ों बांटता है, थोड़ा फेम कुछ नहीं मिलना, आप समझते हैं। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है, वे अनेक परद्रव्यों को भी सहयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर करने का वो होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। कह रहे सहयोग तो इतने सारे फैले हैं, अब जिनसे अपने को कुछ सुख दुख नहीं दिखता तो उनमें कुछ करने का प्रयास नहीं करता, समझ में आ रहा है। जिनसे मतलब की बात सदेगी उनसे निकटता चाहता है, और जो ऐसे है थोड़े जिनसे अपने काम बिगड़ेगा उनसे किसी प्रकार बैर चाहते, फिर उनके साथ जितने जुड़े सबके साथ बैर करता जाता है। टोडरमल जी ने एक प्रकरण लिख लिया, कौन सा बोलो, राग द्वेष का विस्तार। एक जन से जुड़ता है तो संपूर्ण विश्व से जुड़ सकता है आदमी, कैसे जुड़ सकता है, हमारा आदमी बीमार पड़ गया कोई, अब एकदम उसको अपन लेके एकदम गए कहीं रिक्शा रिक्शा, एकदम उसने कहा साहब आप बैठो, और उसने फटाफट दूसरे पैसेंजर को बाहर निकाल दिया, बैठो साहब आप पहले, राग हो गया उसके प्रति। अब वो जा रहे ट्रैफिक में, किसी ने बोल दिया रुक जाओ, वो ट्रैफिक पुलिस के प्रति हो गया द्वेष, किसी ने आकर बोला तुम पेशेंट है समझते नहीं, चल हट जा, जाने दो इन रिक्शा को, अब उसके प्रति हो गए राग। बीच में जितने भी आएंगे अभी साधक और बाधक सबको राग द्वेष का विषय बन रहे, केंद्र चालू कहां से कर रहे हो, ये है सोर्स उसका, ये विश्व के प्रति पूरा भ्रमण कराएगा तुमको राग द्वेष का। एक जन में स्थापित करने की आवश्यकता है बस राग को आपके, राग या द्वेष एक जगह स्थापित हुआ संपूर्ण विश्व उस लपेट में आ जाता है, क्योंकि उसकी पहुंच जहां तक है इसकी पहुंच, क्योंकि यह तो पर सापेक्ष आदमी है, इसके अनुसार इसका काम चलना है, समझ में आता है। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा की होती है, संकोच विस्तार मतलब क्या कहना चाहते हैं, ये इसकी बात कर रही है, इसकी बात, ये दुबला पतलापना भी आत्मा की होती है, अनेक द्रव्यों का भी सहयोग मिलता है, और बाहर की क्या बात करते हैं, बीवी बच्चे घर मकान दुकान सब मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर करने को होने का कुछ भी उपाय नहीं करता, ठीक है। फिर कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाजपेयी ने यह माना कि शादी करने में सुख नहीं है तो उससे दूर ही रहता है। सो यहाँ आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को सह नहीं सकता, सभी को बर्दाश्त कर सकता है, दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और दुख के पीछे ही फिर बाहर की परिस्थितियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप समझ रहे हैं ना, ये मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलेगा, ये जो बोलता है वो दुखी उसके दुख को दर्शा रहा है, क्योंकि आपको दुख होता है ये देखकर, फिर दुख के नाम पर फिर करुणा पीड़ा वो नए नए शब्द हो सकते हैं, लेकिन है तो दुखी,
आप समझ रहे, चरणन योग के नाम पर, अनुशासन के नाम पर कुछ भी हो, है तो दुखी। कह रहे तुम पर्दा ऐसा क्यों किया, तुम पर्दा ऐसा करो, देखो दुखी होने वाली की तो बंद गजब की हालत है। जिसको ऐसी आदत से मजबूर होते हैं बहुत लोग होते हैं ना, कोई बस उनको बड़बड़ाने की आदत है, कुछ वो बड़बड़ाएंगे कुछ देंगे अपना। गुरुदेव उदाहरण देते थे सत्ता प्रिय सास का, सत्ता प्रिय सास नहीं ख्याल में, कहते हैं कि एक दिन, पुराने जमाने की बात है ये, जब छाछ लेवा देवा चलता था फ्री पॉकेट में भर भर के छाछ देते लेते थे, तो कहते हैं कि एक अपना सास कहीं बाहर गई थी और घर की तरफ आ रही थी, घर अभी 1 किलोमीटर पर आया था, जितने में एक महिला दिखी खाली बर्तन लेके जा रही थी, बोले क्या बात है, कह रहे आज छाछ नहीं मिली आपके घर। बोले क्यों, ऐसे कैसे हो गया, बोले आपके बहू, वो बहू कौन होते है कहने वाली, चल मेरे साथ तू। उसको लेके गई वहां पर घर पर, फिर बहू पानी पिलाओ, पानी वानी पिलाए, बैठो छाछ वाले को, बोले बहू छाछ लाना इनको देना। बोले बहू, बहू बोली कि छाछ तो खत्म हो गया माजे, ठीक है बोले। फिर माँ ने उसको बताया कि देखो छाछ खत्म हो गया, अभी खिलाना। हुआ क्या, तुम कौन होती हो कहने वाली, हम बोलेंगे जो बोलना है। सत्ता प्रिय सास, समझ में आता है आपको, सत्ता प्रिय सास। नहीं नहीं, किसी किसी को कोई दिक्कत ये है, अब सत्ता प्रिय सास का तो जमाना तो चला ही गया, अब उल्टा उल्टा कुछ उदाहरण ऐसा लगाना पड़ेगा। ए, लोगों को इतनी तकलीफ है, हमको पूछ के नहीं किया, बात तो वही होनी थी, और पूछ के करे तो इतना सॉफ्टली करने देवे, कोऑपरेट करे उसको, अंदर में यही चाहते हैं, और न पूछ के करे तो उसका विरोधी करे, फिर खराब भी काम हो पूछ के करे यस करे, अच्छा काम बिना पूछ के करे विरोध करे। अरे अपने भी परिणाम प्रत्येक समय के विचारना विचारना विचारना, समझ में आ रहा है। अब ये पानी भरने, पंडित जी मैं पानी भरूं, तब तो ऐसा लगे कि नहीं सर तुम क्यों, हम हमारा कर लेंगे, बड़ा नेक लड़का है, बड़ा अच्छा है, और अपन पानी भर रहे, यहाँ से गुजरे कोई और पूछे नहीं तो आग लगती, ये पूछ नहीं सकते। उदाहरण उदाहरण उदाहरण, ए मैं तो जितना स्वाधीन रहने का प्रयास करता हूँ, मैं बुद्धिपूर्वक चाहता हूँ किसी को तकलीफ ना हो, मैं तो ये देखता हूँ अपने अपनी समाधि है, अपने अपनी साधना है, मैं तो उदाहरण कह रहा हूँ। अभी वो पूछने आया तब तो तुमने निकाल दिया, देखो ये सब विकल्प की पूर्ति का खेल है, विकल्पों की लड़ाई चल रही है पूरी है। तुम्हें काम थोड़ी करवाना करना है कुछ, तुमको तो पूछती तो कम से कम आकर बीच में, पूछती तो करवाना नहीं था इनको, लेकिन पूछने की ही तकलीफ है इनकी बस। विकल्प विकल्प बहुत हावी होता है, वैसे सबकी आप समझ रहे हैं बहुत तकलीफ है। एक राग द्वेष की गुलामी ही सबसे बड़ी गुलामी है, बाकी दुनिया की गुलामी कर सकता है इसके पीछे। अब उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, फिर जहर भी पी लेगा। मान क्या है, क्या मैं भूल गए, सुधा पियावत मान बिन, ओ दोहा मैं भूल रहा हूँ रहीम का, जो दे जो विष दे ये बुलाए, कह रहे कोई आदर सम्मान से वो विष भी देगा मैं पी लूंगा। अब ये तो कसाई की बात हो गई, जो कोई मान नहीं, मान जहां पर सम्मान हो वहीं पर जाना चाहिए, ऐसी वो बात थी इनकी। लेकिन अरे ये तो कसाई की बात हुई कि जहां पर, मैं तो दूसरे अप्रोच डाल रहा हूँ आपको, सुधा पियावत मान बिन कह रही मन सुहाय, क्या सुधा पियावत मान बिन कह रही मन सुहाय, ओ क्या कहते, मरी वो भलो जो विष दे बुलाए, समझ में आता है, मान सहित मरी वो भलो जो विष दे बुलाए। ये नीति वाक्य में तो सब शोभा देते हैं, लेकिन इनकी ऐसी मिट्टी पलीद है यहाँ पर, सच्ची बात कह रहा हूं मैं, इनका कोई अवसर नहीं है मोक्ष मार्ग में। कह रहे मान चाहिए मान चाहिए, मैं जहर भी पी जाऊंगा। कह रहे मान के कोई कम जहर है, कितना बड़ा जहर है ये कि वो जहर पीने को भी तैयार हो गए। सब आप ऐसा कर रहे हो ऐसा करना, समझ में आ रहा, अपने विकल्पों की दुनिया है पूरी। सो यह आत्मद्रव्य ऐसा ही स्वभाव है, और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता, एक दुख को नहीं सह सकता, ठीक है। और दुख की मैंने अभी क्या कही, दुख की तो ऐसी खतरनाक हालत है, वो तो मेनू पर्टिकुलर दिन के अनुसार वो मेनू होगा, फिर कभी विकल्प किसमें चला जाए, कभी कुछ अच्छे लगे कुछ खराब लगे, ऐसा होता रहता है। परवस्था से दुख हो तो यह क्या करे,
उसे भोगता है, परंतु सो अवस्था से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। जहाँ पर अपने बस की नहीं है, भोगता भी जैसे पानी बरस रहा है, उसके इसका क्या बस चलना है। लेकिन उसमें भी दो पांच गाले बके बिना रहता नहीं है अंदर अंदर घर में। बारिश को तो अभी आना था, ये सब किचकिच हो जाती है, अच्छा नहीं लगता बारिश मौसम, और ठंड अच्छी इससे तो, गर्मी अच्छी इससे तो, इसको कोई नहीं पूछ के बरस रहा है। कसाई खाली करने को सब खाली, देखो कसाई जीव को तो कोई मतलब ही नहीं है कुछ, किसी चीज को भी देखकर कैसे उत्पन्न होती है। पापा जी को भी मेरी ऐसी आदत थी, बिजनेस छोड़ने के बाद भी खनिया दाने जब भी आते थे उनको बहुत बारिश देखकर बहुत आनंद होता था, कह रहे बहुत अच्छी बारिश हो गई। बापू सर क्यों तो आपकी खेती कितनी है? फिर अपनी खेती कहाँ, मतलब क्या मतलब है? तो काय के लिए आप फालतू विचार कर रहे हैं किसी का क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लोगों की खेती के लिए। अपने को चाहिए एक बोरा गेहूं, वो पड़ा है अपना, साल भर चलेगा, अगले साल सोचेंगे क्या। आदमी अब समझ रहे, बहुत अच्छी बारिश। अरे किसान जाने, सब जाने, अपन को ना व्यापार करना ना धंधा करना, ये होगा। मैं ये कह रहा हूँ ये उदार चित्त की जो लोक में सुखती है एकदम, इसको बिल्कुल अवसर नहीं है यहाँ पर। कह रहे एक चीज के लिए कितने जन विकल्प करेंगे। मैं घर में भी हमेशा मेरा ये रहता है, एक प्रकरण है उसमें चार जन विकल्प नहीं दौड़ाएंगे। जैसे मैंने कहा मैं एक काम कर रहा हूँ, तो पापा जी ने कहा क्या क्या होगा उसका, फिर उन्होंने कहा अब 10 जन नहीं पूछना, अब 10 जन विकल्प नहीं दौड़ो उसमें। मैंने विकल्प डाला है इसमें, मतलब चार जनों का माथा क्यों खराब करते हो उसमें। देखो लॉजिक है सिंपल। एक बहुत बड़े नीतिकार ने एक बात कही, क्या कहा देखो, वो कह रहे हैं कि एक उदाहरण दूंगा बस करेंगे ना, कि लड़की देख कर आए। मैं अच्छी सच्ची घटना सुनाऊं आपको। डॉक्टर साहब है ना, ये शुद्धात्मा प्रबल टड़ैया के लिए लड़का देखने गए, फिर आए, फिर उनके पिताजी ने पूछा लड़का कैसा था, चुप रहे कुछ नहीं बोले, बार बार पूछने बोले बोलो ना, बहुत आकड़ता है, बहुत भाव खाते तो बोलता नहीं कुछ। बोले आप करो ना साथ लेकिन तकलीफ ये है जो बुढ़ा होता है वो फिर विकल्प ही करता है। कह रहे तुम करो ना स्वाध्याय, कह रहे तुम, हम विकल्प जोड़ रहे वहां पर, हम रात दिन परेशान हो रहे हैं। अब आपको बता कर आप नहीं परेशानी, अब कम से कम एक ही परेशान हो ना, समझ में आता है। उसे एक तकलीफ के लिए 10 जन परेशान काय के लिए हो। मैं आपको कहकर आप तो कुछ नहीं करने वाले हैं, करना तो मुझे ही है, और सब होगा सब देख लेंगे। आपको कहकर आप तो एंड टाइम बता दिया जाएगा कि इतने तारीख को शादी है, आपको चलना है, और लड़का ऐसा है ऐसा है ऐसा है। आपको क्या समझता है इंजीनियर और क्या समझता है डॉक्टर, आपको कितना पढ़ा लिखा, आप तो वही जमाने वाले हो, 5-7 आपको उंगलियों में बताना पड़ता है कितना पढ़ा। इंजीनियर भी नहीं समझते कि अच्छा 16 पढ़ा। अरे जब आपको समझता नहीं काय के लिए पूछते, फिर 16 फिर 8वीं तक में ही भले 16 साल लगा दिए हो उसने, वो नहीं समझते। देखो सुनो, तो फिर वो बोले देखो करे तुम इतना नहीं पूछ सकते, अपन देखो ये सुखी होने के उपाय की बात चल रही है, माँ बाप के साथ अच्छा बोलना चाहिए, इसकी उपाय नहीं चल रहा है एकदम, यहाँ पर 0 है सब, लोक का सब लोक व्यवहार। कह रहे तुमको सुखी होने की बात समझनी है तो शांति से सुन। कह रहे है कि आपने पूछा मेरी लड़की के बारे में, उनकी कौन लगी है, नाती कहेंगे क्या इसको, क्या कहेंगे, दोईती कहेंगे, पोती। अभी देखो कह रहे आपने पोती के प्रति विकल्प दौड़ा है, कह रहे इसमें आपत्ति ये है, इसका मतलब कि हम भी आपके उम्र के होंगे तो हमको भी पूछना पड़ेगा फिर हमारे पोती के बारे में, ये तकलीफ है ना खड़ी। फिर कह रहे सब अपना अपना देखे ना, उतना ही विकल्प पा लेना, 10 पीढ़ी का विकल्प, तुम ज्यादा आयु तुमको मिली है वो ज्यादा विकल्प दौड़ाने के लिए नहीं मिली है, वो तुमको बोनस हटना है तुमको यहां से, तुम मत माथा मारो इसमें। आप समझते हो, आपको तो शादी में बुलाए तो आना, नहीं आए तो नहीं आना, बच गए ऐसा बोलना, और तुम तो ये बोल रहे हैं कि हमको बोलते नहीं कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे कह रहे ये सिस्टम नहीं है, सब जन अपने बच्चों का विकल्प पालेगा, फिर अपने बच्चों के भी बच्चों का पालेंगे तो हमको भी पालना पड़ेगा, हम भी दुखी होंगे फिर। आप समझ रहे सर मेरी बात को, अपार सबको, मतलब कितना एक्सटेंशन है ये।
मतलब इसको फुर्सत जगह जगह मिलती है. आज हमारे महा बाप के उदय से ऐसे सहयोग मिले हैं, तुम चुप रहो, मत इन्वॉल्व हो रहा करो. ऐसे बोलने पर भी हम चुप नहीं रहे. महापुण्य के उदय से अपने पीछे पीछे आते, आप बताओ साहब, बताओ साहब. तकलीफ तो तब थी, हम कैसे निवृत्त हो, कैसे निवृत्त हो. विशाल भैया समझ में आता है? फिर कहते स्वाध्याय में मन नहीं लगता, बार बार पूछने आते, और नहीं पूछने आते हैं तो स्वाध्याय में मन नहीं लगता इसका. कहते इनके इनके अपने मालिक हो गए अभी ये सब. समझ में आ रहा है? देखो सब अपने अपने सुधार की तरफ विचार करना, ये नहीं सोचना कि हमारे सासू ऐसी भी, ये विचार करना बहुओं को कि कितना दुर्भाग्य है हमारे सासू को हमारे पीछे लगना पड़ता है इस उम्र में, हम उनको स्वाध्याय में नहीं अनुकूलता दे पा रहे. बहुओं तो ऐसे विचार करो, ये मत विचार करो नहीं तो यही लड़ाई चालू हो जाएगी. बहुओं को तो ऐसा विचार करना दुर्भाग्य है, हमको सास को बार इतना अभी भी बोलना पड़ता है. अभी भी वो स्थिर से समाधि नहीं ले सकते, ऐसा हम क्यों नहीं बर्ताव कर रहे घर में? इतना देखकर ही लगे उनको, हो गए, हमको आने की आवश्यकता नहीं. ऐसे ये बाहर रह गए, वो बाहर रह गए, वो बाहर रह गए, फिर आना पड़ रहा है इनको, फिर आना पड़ रहा है. तुम क्या रहे, तुम क्यों आ रहे? सब अपने अपने सुधार की सोचो. समझ में आया? परवस्था से दुख हो तो यह क्या करे, परवस्था से दुख हो तो यह क्या करे, मतलब पानी बरस रहा आदि आदि हो तब तो कुछ इसकी चलती नहीं. कह रहे इसमें भी लेकिन आकुलित होता रहता है ये बिना फिजूल के. अभी धूप पड़ गई तो कह रहे टेम्परेचर कितना होगा, कोई मतलब नहीं इसको टेम्परेचर वेम्परेचर से. गोल्ड का क्या रेट हुआ देखना, कोई खरीदी बिक्री नहीं करनी इसको, फिजूल में ही चलता रहता है इसको. बोलो साहब कितना बेचना है आपको, बोलो. नहीं बेचना नहीं, वैसे ही पूछ रहे. मतलब वैसे ही इतने फालतू लोग हैं आज. हल तो यह हुआ कि खबरें पढ़ते रहते हैं अखबार में, कहा क्या हुआ, कहा क्या हुआ, कहा क्या. नहीं जानकारी चाहिए, जानकारी चाहिए, कुछ नहीं जानकारी चाहिए बोलते हैं. कह रहे अफ्रीका में क्या हुआ इसकी जानकारी भी चाहिए बोलता है इसको. क्या जानकारी से मतलब है इसको, समझ आ रहा है? उसे भोगता है परंतु स्ववस्था से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करना चाहता. अपने बस की हो तो किंचित भी दुख सहन नहीं करे, परवस्था से जो करे सो करे. तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो उसे स्ववस्था से भी भोगता है, वह स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है. देते हैं ओम नमः.